नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा मीट द प्रेस रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जगन्नाथ भगवान कलयुग के सत्य स्वरूप चमत्कारी भगवान हैं। इस बात को प्रमाणीकरण करते हुए कहा कि जिस जगन्नाथ भगवान के मंदिर में मैं सेवा करता हूं, उसी क्षेत्र के मुझे जगन्नाथ भगवान ने विधायक बनाया है। जनता जनार्दन को भगवान जगन्नाथ जी को एक ही जगह जगन्नाथ मंदिर में बैठकर दोनों को सेवा करने का मौका मुझे दिया है। यह मेरे लिए बहुत चमत्कार है, इससे बड़ा सबूत क्या है। यह बात विधायक पुरंदर मिश्रा जी ने कहते हुए जगन्नाथ भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान जगन्नाथ जी को साक्षी मानकर जनता जनार्दन को सदा सेवा करने में तत्पर रहने की बात कहते हुए रायपुर प्रेस क्लब में महिला पत्रकारों के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन निर्माण में 5 लाख रुपए की घोषणा भी किया है। इस अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब के नव निर्वाचित प्रफुल्ल ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष अनिल पुरसादकर, महासचिव डॉ वैभव पांडे, उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला, सचिव तृप्ति सोनी, सहसचिव बमलेश्वर सोनवानी, कोषाध्यक्ष रामन हलवाई, वरिष्ठ पत्रकार टीएस राव सर समेत पूरे प्रेस क्लब के पत्रकार विधायक पुरंदर मिश्रा को धन्यवाद दिया है। कलयुग के साक्षात देवता, और कलयुग के साक्षात देवता हुए जगन्नाथ जी का संस्कृति का आविर्भाव मध्य भारत यानी छत्तीसगढ़ का दिन है। बहुत सारे कथानक में बहुत सारे पंडित बहुत सारे विद्वान इस बात को नहीं समझ पाए अभी तक कि यह संस्कृति छत्तीसगढ़ का है। महानदी श्रृंगेरी जी के आशीर्वाद से नगरी से निकल करके समुद्र में समा जाना, ये इसका पहला प्रमाण। शिवरी नारायण के मंदिर जहाँ नारायण रूप में भगवान पूजा पाते थे, आपको सुनेंगे उसके लिए भी वो आते रहेंगे, ये सिलसिला चलते रहेगा। उन्होंने आज अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराई, हम लोगों के आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और हमारे तरफ से जो एक मांग पत्र उनके सामने रखा गया था उस पर उन्होंने एक घोषणा भी की है। लेकिन हाँ, प्रेस क्लब का स्नेह प्यार आपके तरफ से मिलता रहेगा, आपका सहयोग रायपुर प्रेस क्लब को मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और आप जिस भी मुकाम पर रहेंगे, जिस भी जगह पर रहेंगे, आप रायपुर प्रेस क्लब को नहीं भूलेंगे, मुझे ऐसी आशा है। और हम जब कभी भी आप हमको ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि आपके जरिए कुछ हो सकता है आपको प्रेस क्लब के लिए, तो हम आपके पास जरूर आएंगे। और भगवान जगन्नाथ की कृपा जो है पुरंदर मिश्रा जी के साथ साथ हम सब पत्रकारों के ऊपर भी इसी तरह से रहे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज आपने एक महत्वपूर्ण समय हम लोगों को प्रदान किया है, इसके लिए रायपुर प्रेस क्लब की तरफ से मैं आपका बहुत हृदय से आभार जताता हूँ और आपका स्नेह प्यार आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ का थे ना का मिश्रा जी। आप असली चीज को भूल गए। मैं निवेदन किया था कि प्रेस क्लब के लोग एक दिन जगन्नाथपुरी जाएं। जी, आप लोग कभी कभी अकेले में बोलते हो, जाने मैं सार्वजनिक बोलता हूँ। आप मुझे सूची दे दें आपका जाने का, भोजन का व्यवस्था आप सब अपना अपना करना। इसीलिए बता रहा हूँ किसको नमकीन खाने का मजा है, किसको मीठा खाने का। और मेरा प्रयास रहेगा पूरी मंदिर में भीतर में भगवान का दर्शन करने के बाद वहां बैठ के सब भाई बहन एक साथ खाइए, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भी आपके साथ चलूं। दिवाली के बाद दिसंबर में प्रोग्राम बनाना, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक